everyone, welcome back to my channel. So aaj main bahut dino baad vlog kar rahi hu. So it's been 3 weeks I haven't vlogged and there is a reason behind it. Aur reason ye tha ki maine pehle bhi bataya tha, maine ek company join kari thi named Hair Made in India. As you all know, अगर आप कहीं नई जगह join करते हैं तो इतनी ज़्यादा आपको knowledge नहीं होती है उस product के बारे में, तो time लगता है चीज़ों को जानने में. तो that's the reason मैं vlog नहीं कर पा रही थी, मुझे बिल्कुल time नहीं मिल पा रहा था because it was like full time job. I'm still doing it और अभी मुझे थोड़ा manage करना आ गया है चीज़ों को, तो मैंने सोचा है कि अब मुझे properly vlog करना है. I really miss vlogging करना और जो भी मैं ब्यूटी और DIY वीडियोस बनाती हूँ. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यू गाइस, अ बिग हेलो टू ऑल ऑफ यू. और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप लोग कैसे हैं. अभी हम लोग बाहर जाएंगे बिकॉज आज वीकेंड है और वीकेंड पे तो ऐसा लगता है घर पे बैठना ही नहीं है. देन वील डू सम शॉपिंग एंड लंच. और मैंने ये मेकअप किया है एंड आई डिड नॉट मेकअप लाइक दिस. तो चलते हैं फ्लैशबैक. और चलिए करते हैं साथ में आज का दिन एंजॉय. सो अभी 1 बज रहा है और मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया. आज मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है. सो आई डोंट नो हम वहाँ पे जा कर के कब लंच करेंगे. तो मैं कुछ घर से खा करके जाती हूँ जिससे कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख ना लगे और मैं यू नो, एक साथ बहुत ज़्यादा खाना ना खा लूँ. तो अभी मैं ये सैलेड खाऊँगी जो कल रात को मैंने खाया था और थोड़ा सा बचा था. तो एंड देन हम बाहर जाते हैं तो देखते हैं पहले लंच करते हैं या पहले कुछ शॉपिंग करते हैं. बिकॉज लास्ट टाइम मैंने आई थिंक व्लॉग में दिखाया था, मैंने तभी शॉपिंग करी थी. सो इट्स बीन 1 मंथ, मैंने कुछ भी नहीं खरीदा है. और बीइंग अ गर्ल, अगर आप यू नो, ये हैप्पीनेस की डोज ना लो तो थोड़ा सा टेंशन शुरू हो जाता है. तो आज मैंने सोचा कि
थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करते हैं और हमें कुछ घर का भी सामान लेकर के आना था, तो मैं लंच करती हूँ और फिर हम चलते हैं। ओह यार, मैंने आप लोग को बताया नहीं, आई डिड दिस हेयर कट और मैंने अपने बाल थोड़े छोटे कर लिए बिकॉज थैंकफुली यहाँ पे समर्स आ गए हैं और समर में थोड़े छोटे बाल और यू नो कूल सा लुक ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए बिकॉज मैंने वो सैलेड नहीं खाया, वो बहुत सॉगी सा हो गया था क्योंकि कल रात रख दिया था उसमें ड्रेसिंग डाल के, तो मुझे तो बहुत भूख लग रही है अभी। तो अभी हम पहले कुछ खाएंगे, देन उसके बाद हम शॉपिंग करने के लिए जाएंगे। सो इट्स अ सनी डे टुडे और बाहर निकल के बहुत अच्छा लग रहा है। Now we have reached और अब हम चलते हैं और lunch करेंगे। So here comes the food and Adli आ गई है और अभी कैसे आएगा। तो ये यहाँ का famous मैसूर मसाला डोसा, इडली तो हमने सारी खा ली है, कुछ ज़्यादा ही गर्मी स्टार्ट हो गई है। हमने लंच कर लिया है और हमने कुछ वेजिटेबल शॉपिंग भी करी और अब हम जा रहे हैं मेन शॉपिंग करने जो है मेरी। Realize there must be more to life than this, reaching for the stars, traveling so far, like a dragonfly, just grab my hand. तो हमें इस स्टोर में तो एज सच कुछ मिला नहीं, अब हम नेक्स्ट स्टोर में जा रहे हैं और ये इस मॉल से कनेक्टेड है, जैसे यहाँ से बाहर निकल जाएंगे तो सीधे चल के फिर दूसरा स्टोर आएगा। क्यों? तो ये यहाँ का मूवी थिएटर है और यहाँ से सीधे जा कर के आएगा दूसरा स्टोर, बिकॉज़ यहाँ पे इतनी अच्छी चीज़ें नहीं मिली मुझे जैसे मुझे चाहिए थी। हर्षित, तुमने मेरे व्लॉग में आज हाय नहीं बोला। हाय। तो अब हम ये दूसरे स्टोर में आ गए हैं। ये कितने क्यूट क्यूट सूटकेसेस हैं, बैग्स, बहुत क्यूट है ये। एंड एज यू कैन सी कितना बड़ा स्टोर है। ये बैग्स का सेक्शन है, देन ये मेन सेक्शन, और मुझे तो वहाँ जाना है ना। Hey guys, so we are back in the car after कितना घंटे की शॉपिंग करी, दो घंटे की, तीन से चार घंटे की शॉपिंग के बाद हम गाड़ी में हैं और मैं मतलब डेड, आई एम एग्जॉस्टेड और हर्षित तो एज यूजुअल थक ही गया होगा क्योंकि मैंने शॉपिंग करी है तो बस वो पीछे पीछे घूम रहा था और मेरे लिए थोड़ा बहुत कुछ सिलेक्ट किया उसने। सो अभी घर जाते हैं और फिर रेस्ट करते हैं। तो हम ये सारा सामान लेके आए हैं आज, ये है वेजिटेबल्स एंड लुक व्हाट आई हैव फाउंड टुडे, गुड डे। सी मेरा फेस कितना डल लगने लग गया है और अब हम बनाएंगे चाय, हम नहीं मैं बनाऊंगी चाय और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की है, पर थोड़ी देर बाद, एक घंटे बाद दिखाऊंगी। अभी मैं और हर्षित डिसाइड कर रहे हैं कि रात को डिनर में क्या बनाया जाए। हर्षित बोल रहा है नूडल्स और मैं बोल रही हूँ सौते वेजिटेबल्स। मैंने एक न्यू रेसिपी इन्वेंट करी है जो मुझे तो बहुत टेस्टी लग रही थी। हाँ, अरे वो फ्राइड राइस नहीं है, उसमें कितने कम राइस है तो उसको फ्राइड राइस ही कहते हैं, तो फ्राइड राइस में लिटिल में थोड़ी जो भी था मुझे तो बहुत ही टेस्टी लगा, पर उसमें मैंने टाको सॉस भी डाला है। तो अभी क्या क्या खा रहे हैं आज हम डिनर में? टमाटो सूप। हर्षित प्लीज, तो मैं सो गई थी, जस्ट अभी उठी हूँ, मैं दो घंटे के लिए सो गई थी बिकॉज आई डोंट नो मैं इतना क्यों थक गई। शायद कल रात को भी मैं बहुत लेट सोई थी और फिर जल्दी उठ गई सुबह।
सो मे बी इसलिए. और अभी हमारी कुछ और प्लानिंग चल रही है. आई मीन पहले ये डिसाइड हो रहा था कि कुछ कुक करेंगे, पर अभी हर्षित बोल रहा है कि क्या बोलना चाह रहे हो हर्षित? पिज़्ज़ा 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 पिज़्ज़ा. तो हर्षित बोल रहा है कि आप पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, और मेरी डाइट का तो पता नहीं कुछ हिसाब ही नहीं रहता है, बिकॉज मैं पूरे वीक हम डाइट करती हूँ, पर वीकेंड्स पा करके सब कुछ उल्टा फुल्टा हो जाता है. पर मुझे अपना वेट लॉस करना है. जिम भी तो जाते हैं. हाँ जिम जाते हैं. हमने अभी शुरू किया. दो पिज्जा. एक नहीं, एक पिज्जा काफी है. एक तुम्हारा स्टाइल से, एक मेरे स्टाइल से. तो तुम्हारा नहीं 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 प्लीज, तुम्हारा स्टाइल बता दो. मेरा स्टाइल तुम्हें पता है? नहीं पता. बताओ क्या चाहिए. यार ये बंदा हद है यार. मतलब कहाँ सूप, कहाँ हमारा सूप का प्लान था, और कहाँ पिज्जा पे आ गए हम. तो आई वाज सेइंग कि अभी हम पिज्जा जानबूझ के कर. तो ठीक है, तो मैं बोल रही थी कि अभी हम तो मैं बोल रही थी कैसे एक्टिंग करा है शिरे से जब भी मैं बूढ़े सोला. या सो आई वाज सेइंग कि अभी हम पिज्जा ऑर्डर करते हैं, पिज्जा. और आज वीकेंड है, सैटरडे को तो मूवी नाइट होगी. तो मूवी देख रहा है काउबॉयज वर्सेस एलियंस, एंड दिस इज द सिचुएशन. एंड आई सी यू जब पिज्जा आता है. आप लोगों को भी दिखाती हूँ. सो हियर कम्स द पिज्जा. ये क्या है? ब्रेड स्टिक्स. ओ माय गॉड हर्षित, सीरियसली डेली में मिल गई. सच अ ओ मुझे ना गिल्ट वाला खाना लग रहा है ये. इट लुक्स सो यम.